हाँ 2 जून 2023 ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी सूर्य की रोशनी में नहाया सूर्य अस्ताचल को जाते हुए हमारा श्री राम साधना आ रहे हैं मंदिर के दोपहर के पट खुलने तो क्या कहें आरती की तैयारी करने के बाद इस समय जाते हुए व्यास गद्दी क्षेत्र ये श्री राम साधना के ठीक बगल में उड़िया बाबा आश्रम जहाँ आज श्री रामचरितमानस अखंड पाठ का समापन हुआ और कुछ प्रसाद भोजन भंडारा भी हुआ। यहाँ 4 चैतन्य आत्माएं अभी भी विराजमान। होटल टूरिस्ट के ठीक बगल में हमारा ये श्री राम साधना आयनक ये रास्ता जाता हुआ दाहिनी तरफ श्री चक्र को छोड़ते हुए सीधे बिल्कुल गलियों के रास्ते से होता हुआ श्री कालीपीठ चौक ये मुकेश्वर धाम से वाला सूर्य की रोशनी गाड़ी राम लखन गुरु कृपा टेबल आज कम से कम 5-6 दिनों से यहाँ खड़ी। ये रामेष्ठ हनुमान श्री रामेष्ठ हनुमान मंदिर हनुमान जी के 12 नामों में टेम्पो ट्रेवलर आज का सबसे पसंदीदा ट्रैवलर्स के लिए माध्यम। ये आगे स्थान जो कि हर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने वाले के जेहन में हमेशा रहता होगा श्री कुंदकेश्वर महादेव। उनका ये कहना है अगर श्री कुंदकेश्वर जय कुंदकेश्वर महादेव कह के उसमें अर्घा जो है उस पर अक्षत चढ़ाए जाएं तो जो शरीर के रोग आदि व्याधियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती। ये रास्ता व्यास गद्दी को जाता दाहिनी तरफ इधर से नाला क्रॉस करके आप सीधे हनुमानगढ़ी पहुंच सकते हैं। आज 2 जून 2023 ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी वास्तव में 2 जून की डेट बहुत खास इस दिन 1994 को करीब करीब इसी समय मेरे पिता श्री भवानी दत्त प्रेती ने अपनी लीला की समाप्ति ही लीला की समाप्ति मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस समय बहुत बीमार था। हो सकता था कि यमराज मुझे लेने आ सकते लेकिन उन्होंने 59 साल की आयु में ये व्यास गद्दी का क्षेत्र वो पवित्र स्थल इसी समय करीब अपने प्राण त्याग दिए थे। श्रीनाथ जी की हवेली आज का दिन डे वाइज दिन के हिसाब से 2 जून बहुत प्रमुख ये कुछ व्यास गद्दी
में इंस्क्राइब्ड, या अंग्रेजी में अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए इसकी एक परिक्रमा। आज 30वीं पुण्यतिथि, ये द्वादश महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय निराकार ब्रह्म प्राकट्य स्थरी नैमिषारण्य धाम सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष स्वयं भी मनु सतरूपा जी की तपस्थली, ये अलग अलग सत्संग भवन आदि पितृ कश्यप ऋषि हैं भगवान गजानन मंदिर व्यास गद्दी पवित्र क्षेत्र